हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि यूपी लाइव अप्लाई में कैसे आपको टॉपअप करना है। अगर आप किसी को गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके वॉलेट का रिचार्ज कैसे करना है, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल पेज में जाइए, प्रोफाइल पेज ये वाला, ठीक है, इसमें जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, वॉलेट पर क्लिक करना है। आपका इंटरनेट प्रॉपर चलना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे। इसके बाद में ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन सा रिचार्ज करना है। अप टू 21,300 वन टाइम में आपको रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको कितना भी रिचार्ज करना हो, सपोज़ कि आपको 440 का रिचार्ज करना है तो आपको यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है, ठीक है? बाय पे क्लिक किया, इसके बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ गूगल पे से ही आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है? गूगल पे कहाँ से होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये देखो। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है? आप यूपीआई से भी, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, भीम यूपीआई से भी आप यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे सपोज करो ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है। आप घबराना नहीं, ये आपका एकदम सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये जो जी पे है, ये आपका ये जो प्ले स्टोर है ना, इसमें देखना आप जी पे में कैसे, तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो, या प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है आपको, ये इसमें देखो पेमेंट मेथड्स आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये देखो पेमेंट मेथड्स में आपको ये ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो जाता है। अगर आपको कोई डेबिट कार्ड हटाना हो, जैसे रिचार्ज करके वापस डेबिट कार्ड हटाना हो, तो आपको मोर पेमेंट सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? ये आपका फिर ब्राउज़र में पेज ओपन हो जाएगा, payments.google.com। गूगल का नाम मतलब आप समझते हो कि एकदम ट्रस्टेबल होता है। ये आपका पेमेंट्स मेथड आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड अगर ऐड किया हुआ है तो रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये देखो वीजा डेबिट कार्ड मैंने ऐड कर रखा है, अगर मेरे को इसको रिमूव करना है तो ये मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, इस आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, रिमूव। और ऐड करना हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट वॉलेट में भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड वीजा पे या यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड करके आप तुरंत पेमेंट कर देंगे, ऐड करने के बाद वन टैप टू बाय, बाय पे क्लिक करते पेमेंट हो जाएगा। और वापस आपको कैसे वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड रिमूव करना, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइस? और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करके लाइक भी करना। थैंक यू।